बलस्यावर राम चंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल की सदा जय जयकार रहे। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, सनातन धर्म की सदा जय जयकार रहे। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय किरो हाल है केना छी यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तु भ्यंग। देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ 9 10 और 11 फरवरी 2023 का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया किस मामले में खराब, इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले 9, 10 और 11 तारीख की जो मूलभूत बातें हैं जो पंचांग कहता है उसको जरा समझ लें। 9 तारीख को जो है सो चतुर्थी तिथि है, वो भी पूरा रात है, चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM तक का और दिशाशूल दक्षिण दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों अर्थात 9 तारीख को दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए वर्जित है। 10 तारीख की जो कहानी है वो ये है कि शुक्रवार का दिन है, चतुर्थी उपरांत पंचमी तिथि है, चंद्रमा कन्या राशि में ही रहेंगे, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त वही 12:13 PM से 12:57 PM के बीच में और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा में आपको यात्रा 10 तारीख को नहीं करनी है। 11 तारीख को पंचमी तिथि उपरांत षष्ठी तिथि है और चंद्रमा कन्या राशि में 1:03 PM तक रहेंगे, यानी कि दोपहर 1 बजे तक। अर्थात ये राशिफल जो हमारा है वो 9, 10 और 11 तारीख को 1:03 दोपहर तक का ही है, जो अभी तक आपको ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा कि ये राशिफल हमारा पूरा दिन का नहीं है। आपने जब भी सुना होगा तो आपको बताया गया होगा कि 9, 10, 11 तारीख का, 12, 13, 14 तारीख का, 9 तारीख का, 10 तारीख का अथवा 11 तारीख का, पूरे दिन का। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, देखो ये शुद्धता है, ये सच्चाई है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जब से मेरे चैनल पर मैंने ये सब बताना शुरू किया है, कुछ लोग अब धीरे धीरे कॉपी करना शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग अब बता रहे हैं, लेकिन बहुत कम, फिर भी रेयर। तो 1:03 तक 11 तारीख तक की राशि फल है हमारी, 1:03 के बाद ये फल आप पर में लागू नहीं होगा। देवी और सज्जनों शुभ समय 12:13 PM से 12:57 PM तक और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ, यानी कि 11 तारीख को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि मेष से लेकर मीन तक की कहानी क्या कहती है, हर मामले को समझने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों
जिसमें मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन संपत्ति के बारे में, परिवार के बारे में, प्रेम प्रसंग के बारे में, व्यवसाय के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, हर एक मामले में बताऊंगा कि समय कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, चंद्रदेव जो हैं सो आपके कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर में मेष के लिए चंद्रदेव का प्रवेश होगा। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या कहता है आपको समझना चाहिए। छठे भाव में चंद्रमा प्रवेश कर गया तो महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण मेष राशि वाले जातक को धन लाभ का योग बन रहा है, कहीं से कुछ आमदनी होगी, स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा, यश और आनंद के प्राप्ति का योग बन रहा है, आपका महिलाओं के साथ संपर्क बढ़ेगा, महिलाओं का पुरुषों के साथ संपर्क बढ़ेगा, अपने ही घर में सुख की अनुभूति होगी आपकी, शत्रु आपसे पराजित होगा, रोगों का नाश होगा, परंतु खर्चा अधिक होगा। इसमें हमने क्या क्या पॉइंट आपको बताए कि स्वास्थ्य जो है आपका बढ़िया रहेगा, धन संपत्ति के मामले में भी ये समय बढ़िया है, जहाँ तक परिवार की बात है तो पारिवारिक सुख की भी आपको प्राप्ति होगी, प्रेम प्रसंग की बात है तो प्रेम प्रसंग के मामले में समय सामान्य रहेगा, ना ही बहुत बढ़िया ना ही बहुत खराब, व्यवसाय के मामले में समय अच्छा और वैवाहिक जीवन के मामले में भी समय मिला जुला करके ठीक ठाक है। मेष के बाद देवी और सज्जनों बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए आप देखो कि वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या पंचम भाव में वृषभ राशि वाले जातक के लिए चंद्रमा का प्रवेश होगा। पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश वृषभ राशि वाले जातक के लिए क्या दर्शा रहा है। गोचर का चंद्रमा जब पंचम भाव में आता है तो महर्षि कह रहे हैं कि आपको यात्रा में कष्ट की संभावना दिखाई देती है, ईश्वर ना करे दिशा शूल वाली दिशा में 9-10-11 तारीख को बिल्कुल ना जाए, नहीं तो यात्रा में कष्ट के साथ दुर्घटना के भी संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों कार्य का सफल होना मुश्किल लग रहा है, आपका कार्य जो है सो सफल नहीं हो पाएगा, इस समय में कार्य की सफलता में संदेह है, आपको कार्य की सफलता के लिए अथक परिश्रम अथक प्रयास करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान, खूब परिश्रम करने के बाद जो असंभव है उसको भी संभव बनाया जा सकता है। महर्षि कह रहे हैं कि धन के हानि का भी योग बन रहा है तो धन के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है, और क्या तो मन में कुछ अशांति हो सकती है, क्योंकि जब इतनी चीज़ें होंगी तो स्वाभाविक है कि मन जो है सो अशांत रहेगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है, काम वासना में वृद्धि होगी और उचित सलाह जो है इस समय में आप किसी को नहीं दे पाएंगे। तो हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा नहीं है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, धन संपत्ति की जहाँ तक बात है तो खर्च पे कंट्रोल रखेंगे तो ठीक रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका बहुत बढ़िया नहीं बहुत खराब भी नहीं मिला जुला करके ठीक ठाक नज़र आ रहा है, प्रेम प्रसंग के मामले में ये समय बढ़िया है, बिजनेस व्यवसाय के मामले में बहुत सोच समझ के कदम उठाने की आवश्यकता है और वैवाहिक जीवन मिला जुला करके ठीक रहेगा। तो देवी और सज्जनों वृषभ के बाद अब बारी आती है मिथुन राशि की, राशि चक्र की तीसरी राशि जिसका नाम ही है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि पहले ही कह रहे हैं कि संभल जाओ सावधान, क्यों? क्योंकि अपने ही लोगों से स्वजनों से विवाद का योग बन रहा है, अपने ही लोगों के साथ किसी न किसी बात पर में टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की परम आवश्यकता है। महर्षि कह रहे हैं कि चित्त अर्थात आपका मन जो है
वो चंचल रहेगा। इस समय में आपका मन जो है सो खूब प्रसन्न नहीं रहेगा, आपका मन जो है सो एक जगह नहीं रुकेगा। अगर वीडियो बना रहे हो तो वीडियो बनाते वक्त ही आपका मन जो है सो विभिन्न जगह भटकने लगेगा। अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो तो तीसरे काम में आपका ध्यान जाने लगेगा, तीसरा काम कर रहे हो चौथे का, यानी कि चित्त का चंचल होना। मन का तो स्वभाव ही है चंचलता, लेकिन प्रयास के द्वारा, तपस्या के द्वारा, बार बार ट्राई करने पर में उसको अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। तो मन पर में काबू रखें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको छाती से संबंधित किसी प्रकार की विकार परेशानी सामने आ सकती है, जो ठीक नहीं। भोजन का सही समय पर में मिलना भी मुश्किल लग रहा है। नींद में भी कहीं से कुछ बाधा, कुछ परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, जल से संभल करके रहने की आवश्यकता है आपको। जल अर्थात नदी, नाला, तालाब, पोखर, समंदर, कुआं, इससे संभल कर रहने की आवश्यकता। पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से बच करके रहने की आवश्यकता है। और महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो भाई और क्या, तो समाज में ऐसे जगहों पर जाने से आपको बचना होगा जहां पर में अपमान का भय है, जहां पर में ऐसा लग रहा है कि अगर आप वहां पर में जाते हैं तो आपको अपमानित किया जा सकता है, ऐसे जगहों से आपको बचना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि स्त्री के सुख में भी आपको कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने बात की आपके स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा संभल के रहना है। धन संपत्ति के बारे में बात की कि उसको बचा करके रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा उथल पुथल से भरा रहेगा। प्रेम प्रसंग इस समय मिला जुला के ठीक चलेगा। व्यवसाय में कुछ हानि के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी कुछ उथल पुथल की संभावना दिखाई दे रही है। तो मिथुन राशि वाले थोड़ा सा संभल करके चलें। मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि कर्क राशि वालों को धन के लाभ का विशेष योग बन रहा है। आपको कहीं ना कहीं से आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो आपको इस समय में मन पसंद कपड़ा, बढ़िया वस्त्र पहनने का अवसर मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, शत्रुओं पर में विजय प्राप्त करने का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा, आपका दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का क्या कहना है? महर्षि का कहना है कि इस समय में क्या, इस समय में मन आपका खूब प्रसन्न रहेगा, बहुत प्रसन्न रहेगा। प्रसन्नता के साथ किसी कार्य को आप करेंगे, आपको प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का अवसर भी मिलेगा। देवी और सज्जनों, बंधु जनों से लाभ मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी खूब वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सुंदर समय है। स्वास्थ्य के मामले में अगर बात करूं तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा है। धन संपत्ति के मामले में बात करूं तो वो भी बढ़िया है। परिवार के बारे में बात करूं तो वो भी बढ़िया, प्रेम प्रसंग भी बढ़िया, व्यवसाय भी बढ़िया और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। तो कर्क के बाद अब बारी आती है राशि चक्र के पंचम राशि, जिसका नाम ही है सिंह। सिंह राशि कुंडली के दूसरे भाव में आपके लिए चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के दूसरे भाव में भी चंद्रमा का प्रवेश बहुत अच्छा नहीं माना जाता। देवी और सज्जन, महर्षि का कहना है कि कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको मानसिक असंतोष की स्थिति सिंह राशि वाले सामने आ सकती है। परिवार के लोगों के साथ किसी बात पर में टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है और नेत्र से संबंधित पीड़ा अथवा कोई अन्य रोग भी आपको इस समय में परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में भी कुछ बाधा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में सफलता लेने के लिए घोर परिश्रम करना पड़ेगा, अन्यथा असफलता दिखाई दे रही है।
पाप कर्म के तरफ आपकी रुचि सिंह राशि वाले और विद्या से अरुचि की भावना जागृत होने वाली है। बात करूं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के मामले में समय थोड़ा सा विपरीत है, तो संभल करके रहें। धन संपत्ति को बचा करके रखने का प्रयास करें, नहीं तो हाथों से रेत की तरह निकलता चला जाएगा। परिवार में कुछ टेंशन तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग के मामले में समय मिला जुला के ठीक है। बिजनेस व्यवसाय आपका बहुत बढ़िया नहीं चलेगा। वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं। सिंह के बाद अब बारी आती है राशि चक्र के छठे राशि, जिसका नाम है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको सुख की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। रोग जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, बढ़िया वस्त्र सैया सुख सब प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा और कन्या राशि वालों को उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग बन रहे हैं। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। धन संपत्ति के मामले में भी समय जो है सो आपका बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। प्रेम प्रसंग के मामले में भी कन्या राशि वालों का समय बढ़िया है और आपका बिजनेस व्यवसाय भी बहुत अच्छा चलेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। हर मामले में समय खूब सुंदर बहुत बढ़िया है। कन्या के बाद बात करेंगे राशि चक्र के सप्तम राशि, जिसका नाम तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा और कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि आपको शारीरिक कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। विशेष करके आँख से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। धन और मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का सहयोग इस समय में आपको कम मिलेगा। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, खर्चा अधिक होगा, इसलिए सावधानी के साथ चलने का प्रयास करें। यानी कि स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। धन संपत्ति आपके हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। पारिवारिक जीवन में किसी बात पर टेंशन तनाव हो सकती है। प्रेम प्रसंग को बचा करके चलने का प्रयास करें। बिजनेस व्यवसाय में संभल करके रहने की कोशिश करें और वैवाहिक जीवन में बहुत ही सरलता के साथ चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। तुला के बाद बारी आती है राशि चक्र के अष्टम राशि, जिसका नाम ही है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वाले जातक को आय में वृद्धि के विशेष योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी आमदनी में जो है सो वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आपको जो है सो पैसा इस समय में कहीं ना कहीं से हाथ लगेगा। व्यापार में पर्याप्त लाभ के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का सुख भी प्राप्त होगा। उत्तम भोजन बढ़िया खाना समय पर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों के साथ हास प्रयास का अवसर और पुरुषों को स्त्री का सुख भी प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों प्रफुल्लित मन से महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की ओर आगे बढ़ेंगे और आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बड़ा सुखद है। बात करूं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। बात करूं आपके धन संपत्ति की, तो उसमें तो वृद्धि होने का योग ही है। पारिवारिक जीवन भी आपका इस समय में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग व्यवसाय वैवाहिक जीवन सब बढ़िया रहने वाला है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की, राशि चक्र के नवम राशि धनु की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के दशम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि धनु राशि वाले जातक आपके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आपकी जो इच्छा है, आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, वो कार्य आपका पूरा होगा।
सभी कार्य में कह रहे हैं महर्षि कि आपको बड़े ही आसानी से सरलतापूर्वक सफलता मिलने की संभावना, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, राज्य की ओर से धन और सम्मान के प्राप्ति का भी योग बन रहा है, नौकरी में पदोन्नति के योग, उच्चाधिकारी का प्रसन्न होना और उत्तम गृह का सुख भी आपको प्राप्त होगा। हर मामले में जो है सो बहुत अच्छा समय धनुराशि वाले, बहुत सुंदर समय, बहुत सुखद समय आपके लिए, इतना बढ़िया समय कि कहना मुश्किल है, बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा, धन संपत्ति के मामले में भी समय बढ़िया है, प्रेम प्रसंग के मामले में भी समय बढ़िया है, बिजनेस व्यवसाय के मामले में भी, और आपका पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, देवी और सज्जनों कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश मकर राशि वाले जातक के लिए ये दर्शा रहा है कि आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपके पास आपके मार्ग में कुछ परेशानी आ सकती है। देवी और सज्जनों बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ हानि उठाना पड़ सकता है, बच्चों के साथ किसी प्रकार का मतभेद आपको परेशान कर सकता है, वो आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम रहेगा। पेट से संबंधित कोई शिकायत जैसे कि पेट का खराब होना, भोजन का ना पचना, गैस की समस्या इत्यादि आपको परेशान कर सकती है, भाग्य भरोसे ना बैठे, नहीं तो आपको जो है सो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, फिर आप कहेंगे कि आशा निराशा में बदल गई। देवी और सज्जनों शत्रु जो है सो आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है, संभल करके रहें। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य के मामले में समय थोड़ा सा विपरीत दिखाई दे रहा है, धन संपत्ति के मामले में ठीक ठाक ही है, पारिवारिक जीवन में भी मिला जुला के ठीक ठाक ही रहेगा, प्रेम प्रसंग के मामले में समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस व्यवसाय में थोड़ी सी परेशानी आएगी, वैवाहिक जीवन को सरलतापूर्वक मीठे वचनों के साथ बचा करके चलने का प्रयास करें। मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, कुंडली के अष्टम भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको मार्ग में बहुत सारी बाधाओं का इस समय में सामना करना पड़ेगा। कुंभ राशि वाले व्यक्ति के लिए 9, 10 और 11 तारीख को 1 बजे दोपहर तक का समय परेशानी, उतार चढ़ाव और बाधाओं से भरा रहेगा। देवी और सज्जनों आपको अपच की कुछ शिकायत, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से बचने का निर्देश, मानसिक कलेश होगी अगर इन सब से आप बचने का प्रयास आपने नहीं किया तो। नियत समय पर में भोजन मिलने में भी कुछ परेशानी के योग, अचानक से किसी प्रकार के बड़े कष्ट में घिरने की संभावना और धन हानि के योग भी दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय बढ़िया नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में जिसको अपच की समस्या हो सकती है, बवासीर की शिकायत है, परेशानी हो सकती है, धन संपत्ति के मामले में नुकसान का योग, पारिवारिक जीवन का थोड़ा सा कष्टप्रद होना, प्रेम प्रसंग के मामले में परेशानी, बिजनेस व्यवसाय में परेशानी, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी का योग, बहुत संभल करके चलने का प्रयास करना पड़ेगा कुंभ राशि वाले। बात करें मीन राशि की तो मीन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शा रहा है कि आपको धन के लाभ का योग बन रहा है, आपके लिए स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, यश में वृद्धि और आनंद की प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं, महिलाओं से आपका संपर्क बढ़ता हुआ नजर आएगा। देवी और सज्जनों अपने भी घर में सुख प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं, शत्रुओं की पराजय निश्चित तौर पर में होगी, रोग का नाश होगा, परंतु खर्चा आपका थोड़ा सा इस समय में अधिक होगा, छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं होंगी, इस समय में आपको काम सुख की प्राप्ति होगी, वाणिज्य व्यवसाय दोनों में लाभ की संभावना, उत्तम भोजन क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ शयन सुख की प्राप्ति, स्वास्थ्य का अच्छा होना, वाहन और ख्याति के प्राप्ति का भी योग। बड़ा सुंदर
और सुखद समय, बहुत बढ़िया समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। हर मामले में मीन राशि वाले आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, धन संपत्ति के मामले में भी समय बढ़िया, पारिवारिक जीवन के मामले में भी समय बढ़िया, प्रेम प्रसंग के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में, व्यावसायिक जीवन के हर मामले में समय जो है बड़ा सुखद रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार जनों के साथ। देवी और सज्जनों, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपके बारे में जब जब मैं कोई बात करूं तो वो बातें आपके सामने तक पहुंचे। आइए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।